अज बकरीद मुबारक मौके मुस्लिम धर्म के मक्का समान मने जाते रोजा शरीफ की दरगाह से हज़ारों लोगों ने ईद की नवाज़ अदा की। इस मौके मुस्लिम भाईचारे गले मिल के ईद मुबारक कही। इस मौके आम आदमी पार्टी के इंचार्ज एडवोकेट लखवीर सिंह राय हाजी बाबा दिलशाद अहमद अपने साथियों समेत पहुँच के ईद मुबारक कही। इस मौके पर रोजा शरीफ के खलीफा जी ने सारे देशवासियों ईद मुबारक की। इस मौके हाजी बाबा खान साहब और खलीफा जी वालों लखवीर सिंह राय को सरोपा भेट करके सम्मानित किया गया। इस मौके खलीफा जी ते हाजी बाबा ने दस्या कि अज बहुत ही मुबारक दिहाड़ा है। असी अज के दिन दुनिया ते अमन ते शांति दे लई नवाज़ अदा की। असी अल्लाह अगे दुआ करते हैं कि जो करोना महामारी विश्व विच फैली हुई है जल्दी तो जल्दी समाप्त हो जाए। इस मौके ते उन्होंने कहा कि पंजाब की खासियत है कि इत्थे सारे धर्मां दे लोग मिलजुल के रहिंदे हन ते हर धर्म के लोग सानू इत्थे ईद मुबारक कहन आउंदे हन। इस तरह अज साडे विच आम आदमी पार्टी के इंचार्ज लखवीर सिंह राय भी ईद दीआं मुबारकां देण आए हन। असी उन्हां दा पूर्ण तौर पर सतिकार करते हैं ते पार्टी वाजे तो उपर उठ के चंगी सेहत लई दुआ करते हैं। आओ दिखाते हाँ इस दिया कुछ विशेष झलकां न्यूज़ इंडिया टाइम के कैमरे की नज़र तो। जैसे आप सब जानते हैं कि आज बकरीद का दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के वसीले से पूरी दुनिया के अंदर अमन और सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस खत्ते में अमन कायम फरमाए, आप अपने प्यार मोहब्बत के साथ सबको वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के वसीले से अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमाया। अल्लाह इस दुनिया के अंदर जो ये कोरोना जैसी मोहल वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला इसे हम सबको निजात अता फरमाए। मैं बहुत अपने भाई भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो इस मौके पर यहाँ आए और हमें ईद की मुबारकबाद। शान दिहाड़े पर मैं सारे साडे भरावां नूं भाईचारे मुसलमान भाईचारे ईद दी मुबारकबाद पेश करदा और अल्लाह ताला तो बेनती करदा। अल्लाह ताला नूं सारे सी रल के बेनती करदे कि आने वाला समा साडे सारयां दा चढ़दी कला तंदुरुस्ती बख्शे, करोना महामारी तो बचाए। और असी करम वाले हैं, मैं समझा फतेहगढ़ साहब वाले कि जिहड़ी ये थां है बहुत पवित्र दुनिया की महान थां है, दुनिया के दूजे नंबर की ये थां है जिथे साडा ये एरिया बहुत पवित्र एरिया है। इतों दुनिया के कोने कोने तो लोग आके इतने सजदा होंगे ने, असी भी इतने आए जो बकरीद होंगी ईद होंगी सब इतने आके इन्हों की हाजिरी लवा के जाने और साढ़े लिए बहुत महान मान की गल है कि साडा जिहड़ा मुकद्दस थां साढ़े फतेहगढ़ साहब। दोस्तों मैं हाजिर अनुशाल आज हजर मुजद्दीन शाही मौजे पे ईद की नमाज अदा हुई और खलीफा जी की ओर से और मेरी ओर से तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद। ईदुल्लाह जो है दोस्तों ये इब्राहिम की सुन्नत है और ये इस्लाम में बहुत बड़ी कुर्बानी का वो है कि हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दी और अल्लाह को वादा उनकी पसंद आई। हमारे खलीफा जी के यहाँ भी सभी लोग आते हैं और ये सबका मान आदर करते हैं, बहुत ही अनबदिया तरीके से ये सबका इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और इनका भी आम पार्टी वालों पर जितने भी लोग आते हैं यहाँ सभी धर्म की सब पार्टियों के सबका मान आदर होता है। धार्मिक स्थानों का मतलब यही होता है कि सबका मान आदर हो, तो कहानी की किसी के काम आना ये ज़िंदगी और ज़िंदगी मोहब्बत का दूसरा नाम है। मैं हरिवार निषाद फिर एक बार सबको मुबारकबाद देता हूँ ईद की शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया टाइमली फतेहगढ़ साहब तो कैमरामैन आकाश ट्रिप के नाल चंद्र नागपाल की विशेष रिपोर्ट।